हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HCL टेक शेयर के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो स्टॉक में हम लोगों को फ्यूचर अगर लेना है तो क्या प्लानिंग करना चाहिए, ऑप्शंस के थ्रू जाना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैश पोजीशन के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल डिस्कशन होने वाला है, टेक्निकली डिस्कशन होने वाला है। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। HCL टेक के शेयर में अगर देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में स्टॉक 0.42% के मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। अगर हम लोग इस पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 2% ऊपर वीकली बेसिस पे हायर साइड पे ही क्लोज हुआ है। अपने इस वीक के हाई पे ही स्टॉक क्लोज दिया है और लास्ट वन मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक तकरीबन 8% ऊपर क्लोज हुआ है। फ्राइडे के सेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, 1788.27 करोड़ का यह ब्लॉक डील हुआ था। यहाँ पे जो है फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट के द्वारा 1 करोड़ 24 लाख 14,228 शेयर या फिर 0.46% का स्टेक जो है आपको बेचा गया था। लेकिन यहाँ पे जो और भी इंटरेस्टिंग बात है, बायर्स में अगर देखेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटेक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ सोसाइट जनरल, मॉर्गन स्टैनले, ब्लैकस्टोन, सिटी ग्रुप, कॉपटॉल, मॉरिसस इन्वेस्टमेंट, गिसालो मास्टर फंड, गोल्डमैन सैक्स, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड ने स्टॉक को सेल किया है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने ही बाई किया है। तो यहाँ पे रिटेलर्स के पास नहीं किया, यहाँ पे जो है आपस में ही उन्होंने एक्सचेंज किया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, इसका इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट जो है आपको नहीं होने वाला है स्टॉक पे। चलिए और डिटेल में हम लोग टेक्निकली इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल्स, साथ ही साथ जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चार्ट ब्रेकआउट हो रहा है, उन सभी चार्ट्स को हम लोग कवर करते हैं। इसके साथ ही अगर इन केस आप लोग FNO को ट्रेड करते हैं और FNO ट्रेड करना चाहते हैं हम लोगों के साथ, तो फिर आप हमारे फ्री FNO ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है, अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे तीन लिंक मिलेगा, जीरोदा, अपस्टॉक्स और एंजल वन। तीन में से किसी एक में अकाउंट ओपन कीजिए, वहां पे ट्रेड कीजिए एटलीस्ट 2 वीक, उसके बाद आप अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दिया जाएगा। इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से है और आप चाहते हैं फिर भी प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना, तो फिर आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप प्लान को भी ले सकते हैं। लास्ट वन मंथ में अगर देखेंगे इंडेक्स में हम लोगों ने 5 times ट्रेड किया, इंडेक्स फ्यूचर में, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। और फॉर्चुनेट ये मंथ रहा जो यहाँ पे आपको सभी टाइम्स जितने भी बार हम लोगों ने ट्रेड किया टारगेट हिट हुआ। बहुत कम ऐसा मंथ होता है जहाँ पे कि आप 100% जो है आपका ट्रेड सही होता है, मोस्टली जो है बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मंथ में ऐसा देखने को मिलता है। इसी वजह से ये एक्सपेक्टेशन आपका नहीं होना चाहिए जो हर ट्रेड सही होगा, बट मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड का रिस्क मैनेजमेंट वो हम लोगों का सही होने वाला है जिससे कि हम लोग अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल होंगे। बहुत से लोग इस चीज को ये देख के समझते हैं जो सारा ट्रेड सही होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, जो आप जितना भी ट्रेड लेते हैं वो आपका सारा सही होता है। अल्टीमेटली हम लोगों का मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड सही होना चाहिए जिससे कि हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाए। फिलहाल अगर आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जिसका कि पूरा डिटेल आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा। और फिर भी अगर कोई और क्वेरी हो तो आप जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अब HCL टेक शेयर के ऊपर। स्टॉक का मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है और मंथली चार्ट पे क्लियरली स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है।
अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा जो स्टॉक में लगातार गिरावट हो रहा था, यहाँ पे बाउंस किया तो स्ट्रांग क्यों है। अब इस चीज को अगर आप पास्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो ये एक ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया है, यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक लगातार रैली किया, इस ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट किया। चलिए स्विच कर लेते हैं हम लोग वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम हुआ, इस वीक में एक बड़ा मोमेंटम हुआ फर्स्ट वीक ऑफ जून में। उसके बाद से स्टॉक लगातार 3 वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे काफी टाइट कंसोलिडेशन प्राइस का देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर देखेंगे यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिला था और रिजल्ट देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिला। सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, एक टाइट कंसोलिडेशन दिख रहा है 3 वीक का, तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट बुलिश है। इसी वजह से हम लोग बाय साइड के लिए जो है ज्यादा बायस्ड हैं, जो बाय साइड में यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक डेली चार्ट पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसका कि ब्रेकआउट जोन 1473-1475 पे है। यहाँ पे स्टॉक जो है एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है। सेकेंड अगर देखेंगे तो स्टॉक अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है बिल्कुल ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक में अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं वो भी एंट्री लेंगे, और जितने भी लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो भी एंट्री लेंगे, और जितने भी लोग इस टाइट कंसोलिडेशन को अपने वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं वो भी यहाँ पे एंट्री लेंगे, और इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए बात कर लेते हैं जो कैसे कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है। सबसे पहले अगर आप कैश ट्रेडर हैं तो इमीडिएटली जो है जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होता है 1475 उसके बाद आप यहां पे बाई कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपका रिस्क होना चाहिए 1420 का, तो तकरीबन जो है 55 पॉइंट का आपका रिस्क है, 3.5% के आसपास का आपका रिस्क है। ऊपर की साइड में आपका रिवॉर्ड जो है 1600 के ऊपर जो है फिर 1700 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है तो फिर आप कैसे करेंगे? एग्जैक्ट लेवल्स अगर आपको चाहिए तो आप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक आइडिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो क्लियरली जुलाई फ्यूचर्स में भी आपको यहाँ पे एक रेंज दिख रहा है जिसका की ब्रेकआउट है 1470 के ऊपर अगर निकलता है सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपका रिस्क जो है यहाँ पे होना चाहिए 1424 के नीचे, यानी कि तकरीबन अगर बात करेंगे तो 46 पॉइंट का जो है यहाँ पे आपका रिस्क होने वाला है। ऊपर की साइड में अकॉर्डिंगली 1:2 का आपका रिवॉर्ड होगा। अगर आपको कम रिस्क के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि सभी के रिस्क मैनेजमेंट में इतना बड़ा 350 का लॉट साइज है, और अगर यहाँ पे 50 पॉइंट का अगर देखेंगे तो तकरीबन 16-17,000 का रिस्क पर ट्रेड आता है, तो आप ऑब्वियसली बहुत कम लोग ही हैं जो कि इतना ज़्यादा रिस्क लेके ट्रेड करते हैं। जिसका कैपिटल बड़ा है वही जो है इतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। इस वजह से बहुत से लोग जो है ऑप्शंस के थ्रू जाना पसंद करते हैं। ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो फिर यहाँ पे आप 1500 के कॉल ऑप्शन को अपने रडार में रख सकते हैं। 1500 के कॉल ऑप्शन में अगर एक तेजी आता है, अगर यहाँ पे 28 रुपीज के लेवल के ऊपर या फिर 30 रुपीज के लेवल के ऊपर 1500 का कॉल ऑप्शन निकलना स्टार्ट होता है तो फिर जो है आप यहाँ पे इस लेवल के ऊपर इसको बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऊपर की साइड में स्ट्रेट अवे आपको 10 पॉइंट का एक बड़ा मूव जो है ऑप्शन में मिल सकता है। नीचे की साइड में आप रिस्क जो है 25-24 के नीचे प्लेस करके रख सकते हैं, तो 6 रुपीज का रिस्क रहेगा। ऊपर की साइड में जो है इमीडिएट 10 पॉइंट का रिवॉर्ड, और अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको 50-60 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फिर भी ये रिस्क भी आपके लिए ज्यादा है, 1500 पर लॉट का यहाँ पे रिस्क होने वाला है, 1500-1600 रुपीज पर लॉट का यहाँ पे रिस्क होने वाला है, अगर ये रिस्क भी आपके लिए ज्यादा है तो फिर आप इस पोजिशन को हेज कर सकते हैं 1600 या फिर 1650-1660 के कॉल ऑप्शन को सेल करके।
यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। जब ये जैसे ही आप ऊपर की साइड में 1500 के कॉल ऑप्शन को 30 के ऊपर बाय करेंगे, उस टाइम में आपको ये ऑप्शन जो है तकरीबन 9 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे जो है आप इसको सेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका पोजिशन हिस्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें।